अगर आप भी अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सरकार की विभिन्न योजनाओं से आप अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए लोन ले सकते हैं। और इससे ना सिर्फ आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ जोड़कर रोजगार दे सकते हैं। और कुछ ऐसा ही कर सहरसा के प्रिंस कुमार ने ना सिर्फ अपना व्यवसाय खड़ा किया है, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी दिया है। प्रिंस कुमार को नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने लोन लिया था। सहरसा के रहने वाले प्रिंस कुमार बताते हैं कि घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे थे, पर उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। बड़े शहरों में भी नौकरी के लिए गए, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण घर से भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें दोस्तों द्वारा पता चला कि सरकार की योजना चल रही है, जिसमें ऐसे युवाओं को लोन भी दिया जा रहा है। इसके माध्यम से वो अपना एक नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और साथ ही अपना उद्योग भी चला सकते हैं। फिर उन्होंने बिना देर किए सहरसा के उद्योग विभाग में जाकर सरकार की योजना की जानकारी हासिल की और साथ ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 10 लाख का लोन मिला। सबसे पहले आप प्रिंस कुमार को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। लोन तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैं खुद रोजगार के तलाश में था और अभी मैं खुद 20 से 25 आदमी का मतलब रोजगार का एक साधन मुहैया करा रहा हूँ। तुमको मुहैया हुआ है 10 लाख? 5 लाख। पहले हम मतलब पढ़ाई के बाद अपना नौकरी का तलाश कर रहे, नौकरी नहीं मिली। दूसरे राज्य में भी आप भी गए थे नौकरी की तलाश में, दूसरे राज्य में भी जाकर नौकरी की तलाश। तो अभी कितने लड़के आपके अंदर में काम कर रहे हैं? मेरे पास अभी कम से कम 25 का पूरा टीम। 25 का टीम में कारीगर, लेबर, वेटर, 25 को तो हम डायरेक्ट जॉब दे रहे हैं। और बाकी उसके पीछे भी बहुत सारे हैं, जैसे मार्केट से ठला उला ये सब वाले भी लगे रहते सब लोग। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस राज। प्रिंस कुमार बताते हैं कि लोन की प्रक्रिया में उन्हें 6 महीने लग गए थे और जैसे ही 2 किस्तों में उन्हें पूरी रकम सरकार द्वारा दी गई थी, तब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया था। और साथ ही आज प्रिंस कुमार तकरीबन 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने केटरिंग का बिजनेस शुरू किया था और इसके लिए आगरा सहित विभिन्न राज्यों से केटरिंग का सामान खरीद कर लाया और साथ ही यहाँ वो शादी विवाह सहित अन्य पार्टी फंक्शन में केटरिंग का काम लेते हैं और एक बुकिंग पर वो 40,000 से लेकर 2 लाख तक का चार्ज करते हैं। तो इससे उन्हें लोन मिला, जिससे कि अब वो लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। पहले वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे रोजगार के लिए, अब लोन के माध्यम से वो खुद ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ 25 और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।